हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोशनी है और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बुरी आदतें जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं सीख पाते। वो बहुत कोशिश करते हैं कि मोटिवेट हो वीडियोस देखकर, वो मोटिवेट होते भी हैं। जैसे ही वीडियो देखते हैं वो सोचते हैं कि आज तो मैं स्टार्ट करूँगा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, लेकिन उनसे नहीं हो पाता। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। वो कारणों को मैं डिस्कस करना चाहूँगी इस वीडियो में, ताकि वो आदतों को अवॉइड करके आप अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बना पाए। बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स का मोटिव सिर्फ यही है कि हम लोगों का वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल हो और आप जो भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो आप अचीव कर पाएं। और इसके लिए हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें और वो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स आपने चूज़ किया है, जो भी करियर आप बनाना चाहते हैं, उस सभी के लिए इंग्लिश जो है वो एक माइलस्टोन का काम करता है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे टिप्स डिस्कस नहीं करूँगी, मैं वो आदतें आपके डिस्कस करूँगी जिसकी वजह से यू नो स्टूडेंट्स दे लैग बिहाइंड, ओके, पीछे रह जाते हैं। तो वो कारण क्या क्या है मैं एक एक करके एनालिसिस करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण है प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन में क्या होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, हमको तो इंग्लिश सीखना है, हमको अच्छे से इंग्लिश बोलना है, वो मैडम जैसे बोल रही है वैसे बोलना है, वो सर जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलना है, लेकिन कोशिश नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि आज तो ये काम है, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा या करूंगी, और कल कभी आता नहीं है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, टुमारो नेवर डाइज, तो वही आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कल कभी नहीं मरता, इसलिए आपको जो करना है आज ही करना है। ठीक है, अगर आज स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो करेंगे। ऑलराइट, तो जो टिप्स देते हैं यूट्यूबर्स उसको आपको अमल करना है। कल नहीं, आज ही कीजिए, दो की जगह एक कीजिए, एक की जगह हाफ कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। जब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस स्टार्ट भी नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया प्रोकेस्टिनेशन, उसको टोटली अवॉइड कीजिए। जैसे ही आप कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोज देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, माइंड में आता है, आप माइंड सेट करते हैं कि नहीं मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, तो उसी वक्त पेन एंड पेपर उठाइए और स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपका एक रूटीन बन जाएगा। आदत बनाना जरूरी है। ठीक है, आदत बनाना जरूरी है कि आपको सीखना है, तब धीरे धीरे जब आदत बैठ जाएगी तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, आज कुछ कमी है, आज मैंने अपने रूटीन से कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो पहले आपको प्रोकेस्टिनेशन अवॉइड करना है, कल के ऊपर छोड़ना, कामों को बंद करना है और आज पे डिपेंड करना है, आज स्टार्ट करना है। आज कितना यूटिलाइजेशन हो सकता है, 24 आवर्स में हम लोग 6 आवर्स सो के निकाल देते हैं, तो बाकी जितना टाइम बचा उसको ईच एंड एवरी मिनट हमको यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो मैंने डिस्कस किया उस पर कितने स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स रेडी हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और किस किस ने निश्चय कर लिया कि उन लोगों को इंग्लिश सीखना है, वो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। राइट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे या फिर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स सीख नहीं पाते इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व नहीं करना। ऑब्जर्व नहीं करना, क्या ऑब्जर्व नहीं करते? जो गुड स्पीकर्स हैं, जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, ओके, अच्छे जेस्चर्स के साथ, जेस्चर्स मतलब बॉडी लैंग्वेज, हाथों का मूवमेंट, ओके, मूवमेंट ऑफ आईज, मूवमेंट ऑफ हेड, राइट, ये सभी को मिलाते हैं हम लोग बॉडी लैंग्वेज में और जेस्चर्स में, राइट। तो जो अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, आपने देखा होगा उन लोगों का सिर्फ उन लोग बातें नहीं करते, राइट, बातों के साथ में उनका हाथ का भी कोऑर्डिनेशन होता है, उनकी आंखों का भी कोऑर्डिनेशन होता है, राइट, रॉबर्ट की तरह स्टीफ होके उन लोग नहीं बात करते, तो उनको ऑब्जर्व नहीं करते कैंडिडेट्स।
वो सोचते हैं कि ये तो इजी है, हो जाएगा, एक बार बोलना सीखूंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आप देखना ही नहीं, इसको माइन्यूटली देखना है आपको, अटेंटिवली देखना है कि जो गुड स्पीकर्स है वो कैसे बोल रहे हैं, उनका लिपसिंग, ओके, लिप्स कैसे चल रहा है उनका, उनके आंखें कैसे चल रही है, उनकी हाथ कैसे चल रहा है, ओके, उन लोग कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, वो सब ऑब्जर्व करना है। और कैंडिडेट्स यहीं पे मार खा जाते हैं, उन लोग ऑब्जर्व नहीं करते, वो सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, वो तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है, उसके साथ में मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ओके, ये मेरे बस का बात नहीं है, कह के हम लोग अवॉइड करते हैं, कैंडिडेट्स अवॉइड करते हैं। तो ये नेचर हटाना है, राइट। दुनिया में कोई भी सीख के नहीं आता, आपको सीखना है इसी वर्ल्ड में आके, ओके, आपको डिफरेंट एरिनाज में जाना है, लेकिन कोर तो एक ही है, आपको इंग्लिश सीखना है, जहाँ पे भी जाएंगे इंग्लिश तो सीखना ही है। इसलिए जिस भी फील्ड में आपने करियर बनाने का सोचा है, इंग्लिश तो आपको इम्पोर्टेंस देना ही है, इसलिए अभी से ही आप स्टार्ट कीजिए ऑब्जर्व करना। जो भी आपका रोल मॉडल है, इट कुड बी क्रिकेटर, राइट, क्रिकेटर भी हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, उनको ऑब्जर्व करना है आपको बहुत अच्छे से, उन लोग कैसे बोल रहे हैं, उनका मेन है बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल ऑब्जर्व करना, वो आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे बाद में, ठीक है। तो अगर आप गुड स्पीकर्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, ये आप अपने माइंड में लिख के रख लीजिए, राइट। जब मैंने सीखा था तो मैंने अपने टीचर्स, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, दो तीन टीचर्स थे, सभी तो नहीं बोलूंगी क्योंकि सभी टीचर्स से मैं इंस्पायर नहीं हुई हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, कुछ हैंडफुल ऑफ टीचर्स थे जिनकी वजह से, जिन्होंने बहुत हेल्प किया, इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे हेल्प किया। एक्चुअली उस वक्त क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, इसकी वजह से इंडिविजुअली आके उन लोग अटेंशन नहीं दे पाते थे, लेकिन वो जैसा बोलते थे, उनका बोलना, उनका वही अभी मैंने जो बोला बॉडी लैंग्वेज, मैंने ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से आज मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हूँ अपने करियर में, राइट। मैं अपने आप को टोटली सक्सेसफुल नहीं बोलूंगी, लेकिन कंपेयर टू अदर्स एक पोजिशन पे हूँ, लेकिन अभी बहुत दूर तक जाना है, अभी मुझे बहुत सीखना है, बहुत सारे एग्जाम्स भी देने हैं, एक जॉब तो लग गया, लेकिन इसमें मैं सेटिस्फाइड होके रहना नहीं चाहती, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए कोशिश हमेशा रहती है कि मैं रिफाइनमेंट करती रहूँ, जितना बोल सकती हूँ उसमें और रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट कैसे आएगा, नए चीजों को सीख के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, सीखने के लिए ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते गुड स्पीकर्स को, ठीक है, तो ये बहुत गलत आदत है आपका, आपको ये टोटली अवॉइड करना है, ओके। तो अब हम लोग मूव करते हैं नंबर 3 पे, ओके। 3 नंबर पॉइंट क्या है मैं बताती हूँ आपको। वो कैंडिडेट्स जो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, कहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते, जहां पे की कन्वर्सेशन हो रहा है, कुछ ग्रुप्स में इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, लेकिन वो बोली सुन के ही उन लोग भाग जाते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, वो कन्वर्सेशन में आते ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आपको बोलना है जाके, राइट, आप एटलीस्ट सुनिए, ओके, सुनिए, कुछ करना नहीं है, आंख बंद कीजिए और सुनिए उन लोगों क्या बोल रहे हैं, क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, को क्या आपके फ्रेंड्स क्या पूछ रहे हैं, को क्या रिप्लाई दे रहा है कौन, ओके। और ये जो कन्वर्सेशन है वो आप सुनेंगे और आप टोटली डिवोटेड हैं सीखने के लिए, तो आपके कानों में वो बातें गूंजेंगी, राइट। मैं आज तक नहीं भूली जब मेरे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस पूछे थे, जब जो मेरा जॉब लगा उसमें इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे वो आज तक मुझे याद है, किसका आंसर दे पाई किसका आंसर नहीं दे पाई वो भी मुझे याद है। वो इसलिए याद है क्योंकि मैंने टोटली अटेंटिवली वो इंटरव्यू दिया था, ठीक है, उसके लिए मैं होल हार्टेडली प्रिपरेशन की थी। तो जब आप होल हार्टेडली किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका ब्रेन में फिट हो जाता है, वो रिपीट करते रहेंगे आप सपने में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सपने में इंग्लिश में बात कर रहे हो, अगर आप टोटली डेडिकेटेड हैं तो ऐसा
होना लाजमी है, आप सपने में भी इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कन्वर्सेशन में आने से अवॉइड करते हैं, इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ स्केपमेंट, ओके, आप स्केप करते हैं तो आपको अवॉइड करना है ये, ठीक है। कि कोई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई सीख के नहीं आता, सभी को यहीं आके सीखना होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पहले इंग्लिश का ABC भी नहीं जानते थे, लेकिन आज गुड स्पीकर्स हैं, ठीक है। उन्होंने कैसे किया इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो एडवांस लेवल में होगा, ठीक है। पहले आपको बेसिक्स आ जाए, उसके बाद, आज मैं उन सब में नहीं जाऊंगी, आपको बस इतना बताना है कि ये गलत आदतें आप में हैं, तो आपको अभी के अभी हटाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला प्रोकेस्टिनेशन, सेकेंड पॉइंट गुड स्पीकर्स को अवॉइड करना, ओके, उनको ऑब्जर्व नहीं करना। थर्ड पॉइंट बोला इन्वॉल्व नहीं होना, जब कन्वर्सेशन हो रहा है इंग्लिश में तो सुनने के लिए भी नहीं जाना, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर फोर। नंबर फोर में क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। नंबर फोर है लेथार्जिक नेचर, ठीक है, बहुत आलसी हो जाना, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, आज करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ही तो मेहनत कर सकता हूँ मैं आज, इतना टाइम तो है मेरे पास, 10 मिनट तो है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका गलत डिसीजन है। आपको लेजी बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने जैसे बोला पहले कि आधा मिनट हो आपके पास, ठीक है, वो भी आपको यूटिलाइज करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको अर्जुन की तरह होना है, राइट। जहां पे भी हो आपको इंग्लिश ही दिखना चाहिए, चाहे वो आपका सोप है, डेली सोप जो आप यूज करते हैं वो हो, या फिर आप शॉपिंग के लिए जब जाते हैं तब जो प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन देखते हैं वहां पे कुछ नया चीज है, ब्रेन में फिट कर लीजिए, उसको आके मीनिंग देखना है या फिर कहीं लिख के रख लेना है, ठीक है। तो उस पे मैं अभी फिलहाल नहीं जाती, आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको हर वक्त एक्टिव रहना है, कहाँ क्या सीखने को मिल जाए आप नहीं जानते, ठीक है। तो जो आलसी लोग हैं, आलसी लोगों का भविष्य में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाला है, ये जान लीजिए। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो आज आपके लिए वेट नहीं करेगा, ऑलराइट। आज जो समय है वो कल वेट नहीं करेगा आपका, इसलिए जो समय आपके पास है उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़ लीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है नंबर फाइव। पांच नंबर में क्या है कि पांच नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचते हैं कि अभी तो जरूरत नहीं है तो क्या, क्यों पढ़ाई करना, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी मैं क्यों डायरी में एंट्री करूं, अभी जरूरत नहीं है मैं क्यों वॉल में चिपकाऊं लिख के अपना रूटीन, अभी जरूरत नहीं है मैं वोकैबुलरी क्यों सीखूं, ठीक है। जब इंटरव्यू होगा तब देखा जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि क्लास 9, 10th में जब आप लोगों ने एग्जाम से पहले 11th आवर में प्रिपरेशन किया था वही होने वाला है फ्यूचर में भी, ऐसा नहीं है। जब आप करियर के लिए कुछ करते हैं तो आपको होल हार्टेडली करना है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं जब जरूरत होगी तब करेंगे, जब प्यास लगेगी तब जाके कुआं बनाएंगे, तो ये टोटली अवॉइड करना है आपको। आप इस एटीट्यूड के साथ सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये जो पांच आदतें हैं आपको अभी के अभी बदलना है, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या करना चाहते हैं इंग्लिश के साथ, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए हम लोगों को। और ये पांच आदतों में से आप सिंसियरली बताइए कि आप में गलत आदत कौन सा है, ठीक है। सिंसियरली बताएंगे तभी उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। जब तक डॉक्टर को पता नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, राइट, प्रॉब्लम क्या है, तब तक वो मेडिसिन नहीं दे पाते। लाइफ में भी वही है, जहां पे प्रॉब्लम है उसको देन एंड देर सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एनालाइज करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। आप लोग सोचते हैं कि इंग्लिश मुझे नहीं आती बोल के पूरा टेंशन होता है, सवेरे शाम सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सब कुछ, मेरे पास क्वालिफिकेशन है लेकिन इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगा, ठीक है, मैं कैसे बात करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब कोई हंसेंगे मुझ पे। लेकिन इसको, ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप अपनी ओर से कोई भी स्टेप नहीं लेते। मैं नहीं चाहती कि आप लोग पेसिमिस्ट हो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आपको ये बताना है मुझे कि आप में ये पांच जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए उनमें से कौन से प्रॉब्लम आप में है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग उस पर वर्क करेंगे।
ताकि एक एक करके आपका जो डिमेरिट है वो रिफाइनमेंट कर सके और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आगे बढ़ सके। और आप मुझसे क्या चाहते हैं ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उस पर मैं वीडियोस बना सकूं। ठीक है, आपको मैं यही चाहती हूँ कि आपकी जो गलत आदतें हैं वो जल्द से जल्द हट जाएं और आपने जो भी करियर सेट किया है अपने माइंड में उस पर आप सक्सेसफुल हों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अप्रोच। टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना हेल्थ का केयर कीजिए इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।